राष्ट्रीय तिरंगा फटा और मठमेला फहरा दिया गया और जिम्मेदार विभाग के अधिकारी अब इस पूरे मामले में मौन भी है। धार जिले का यह पूरा मामला है जहां पर धार जिले के नेसरपुर में महिला बाल विकास परियोजना का एक कारनामा देखने को मिला, जहां पर 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर पूरे भारत देश में धूमधाम से इसे मनाया जा रहा था, वहीं पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का इस दौरान अपमान कर दिया गया और नियमों और मापदंडों के अनुसार इसकी शान में गुस्ताखी की गई है। उदाहरण देखने को मिला जब राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रीय स्वाभिमान की गंभीरता को ना लेते हुए सिर्फ औपचारिकता भर इसे निभा दिया गया और इस पर इतिशी कर दी गई। ताजा मामला महिला बाल विकास खंड का है, जहां पर निसरपुर का है, जहां पर नीचे से यह पूरा जो तिरंगा था, ध्वज था, यह फटा हुआ था और उसे फहरा दिया गया। मीडिया के लोगों ने जब राष्ट्रीय ध्वज की ओर पर उनकी नज़र पड़ी और कुछ फोटो और वीडियो बनाकर जब उपस्थित कर्मचारियों से इस बारे में पूछा गया, जानना चाहा, तो अधिकारियों का यहाँ पर ट्रेनिंग में होना बताया गया। इसके बाद में यहाँ पर परियोजना अधिकारी से जब फ़ोन के माध्यम से संपर्क किया गया तो उनके द्वारा भी यहाँ पर फ़ोन नहीं उठाया गया। वहीं पर 27 जनवरी को भी जब इस बारे में अनुविभागीय अधिकारी कुक्षिया रमेश चंद्र खतेड़िया को अवगत करवाया गया कि ध्वज जो था फटा हुआ था, उसके वीडियो और फुटेज जब भेजे गए तो उन्होंने भी जानकारी देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि विभाग के एडीओ ट्रेनिंग के नाम पर छुट्टी मनाते हैं, वहीं पर व्यस्त हैं और इस तरह की लापरवाही के बाद में वह फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और जवाब नहीं दे रहे। बहरहाल किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी इस ओर बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन राष्ट्रध्वज का अपमान हुआ है यह बात सच है और विभाग के खिलाफ कार्रवाई जरूर होना चाहिए।